हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे ग्रीन किचन में स्वागत है। प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब अवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग रेसिपी है मसालेदार स्टफ्ड भिंडी। ऑलरेडी हमने भिंडी के साथ फ्राई कर चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो इस मसालेदार स्टफ्ड भिंडी को बनाने के लिए हमने लिया है हल्दी, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, स्पाइसी फ्राई पाउडर, आमचूर पाउडर, सॉल्ट, गरम मसाला और भिंडी 500 ग्राम्स। आप देख सकते हैं यहाँ हमने भिंडी के एंड्स को कट कर लिया है और बीच में इस तरह कट लगा लिया है ताकि हमारा मसाला जो है उसमें फिल करे। इसी तरह हमने सभी भिंडी को एंड्स कट करके बीच में कट लगा लिया है, तो आप भी इसी तरह से कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ भिंडी तो दूसरी तरफ हमने जो मसाले लिए हैं उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ये स्पाइसी फ्राई पाउडर बनाने का तरीका हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। तो चलिए, हमारे मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो चलिए एक भिंडी लेकर हम बीच में इस मसालों को फिल कर देंगे। इसी तरह से आप सभी भिंडी में मसाला फिल कर लीजिए। तो हमने सभी भिंडियों में मसाला फिल कर लिया है और दूसरी तरफ हमने ऑनियन कट कर लिया है, हाफ ऑनियन लिया है हमने। तो इसे 30 मिनट्स तक रेस्ट के लिए रख लेंगे। अब 30 मिनट्स के बाद दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई ली है और ऐड किया है 2 बड़े चम्मच तेल यानी कि ऑयल। अब हम ऐड कर रहे हैं मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। अब हम ऐड कर रहे हैं कड़ी पत्ता, 1 स्ट्रैंड हमने लिया है। तड़का जो है अच्छे से लग गया है, तो चलिए हमारे स्टफ्ड भिंडीज को इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं अब हम हमारे ऑनियन जो कट करके रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे। और लिड कवर करके 5 से 10 मिनट तक कुक करेंगे। 5 से 10 मिनट के बाद इस तरह आपकी भिंडी थोड़ी थोड़ी पकी दिखने लगेगी। थोड़ा सा स्टिर करेंगे। आप अगर चाहिए तो फिर से सॉल्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे हम सॉल्ट डाल रहे हैं। सॉल्ट डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फिर से हम लिड बंद करके 5 मिनट्स तक भिंडी को जो है कुक करेंगे। आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद हमारी भिंडी अच्छे से पक चुकी है। तो चलिए स्टोव का फ्लेम टर्न ऑफ कर देंगे। तो चलिए एक सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।